एडमिशन ओपन प्ले टू 10th क्लास इन कैम्ब्रिज हाइट्स स्कूल एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग COVID-19 क्लासेस कंटिन्यू वाई लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस। सागर जिले के बंडा में प्रशासन ने मुख्य मार्ग के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। इसके बाद प्रशासन द्वारा अन्य मार्ग के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाने लगी, जहां गरीबों के टपरे हटाए जा रहे थे और बिना पटवारी इंजीनियर के मनमाने ढंग से चूना भी डाल दिया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया और इस कार्यवाही को रोकने के लिए बंडा विधायक से गुहार लगाई। विधायक तरवर सिंह लोधी ने दुकानदारों और अन्य लोगों के साथ अनुविभागीय अधिकारी बंडा शशि मिश्रा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सभी फुटपाथ पर टपरे रखकर दुकान चलाने वाले दुकानदार 10 महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। ऊपर से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उनके टपरे हटाए जा रहे हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी शशि मिश्रा ने बताया कि फुटपाथ दुकानदारों के टपरे नहीं हटाए जाएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें व्यवस्थित कराया जाएगा। तो बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने बताया कि अगर आगे इस तरह की कार्यवाही होती है तो वो जनता के साथ हैं। गरीब जनता के साथ अन्याय होता है तो आगे भी आंदोलनों के लिए बाध्य रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जो हमारे मध्य प्रदेश में ये जो अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत हमारे बंडा में आदेश तो ये था कि जो भूमाफिया है, जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं रेत पत्थर ये सारी चीज़ों को लेकर, और जो दो दो चार चार पाँच पाँच एकड़ जमीन पर कब्जा करके अपना उद्योग चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हटाना था। लेकिन हमारे बंडा में गलत तरीके से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें हमारे बंडा के जो छोटे छोटे दुकानदार, जिसमें पान के टपरे वाले, चाय के टपरे वाले, सब्जी फल फूल वाले और भी छोटे किराने वालों को परेशान किया गया और अधिकरण में उनके टपरे हटाए गए, जिनसे उनके जीवन याचिका पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनके पास मात्र एक ही छोटी सी दुकान थी जिससे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, और उसी विरोध में आज सभी हमारे बंडा के सभी नगरवासी, सभी टपरे वाले आज कलेक्टर के नाम से हमारे एडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है कि ये अतिक्रमण जो नाजायज रूप से गलत तरीके से किया जा रहा है, इसे रोका जाए। अगर अतिक्रमण नहीं रुकता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का ये रहेगा, जो गलत तरीके से ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जनता ने जब हम लोगों को चुन के पद पे पहुंचाया है तो हम जनता के लिए उनके साथ हरदम खड़े हैं, और यदि ये चीज रुकती नहीं तो उसके लिए हम धरना प्रदर्शन आंदोलन सारी चीजें करेंगे। जो गरीबों के टपरे हैं उनको हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है, सिर्फ जो हमारा नेशनल हाईवे था जहाँ पे कई बड़े दुकानदारों ने कुछ चबूतरे बनाए थे या टीन शेड बढ़ा के आगे किया था और नेशनल हाईवे पे अप्रोच करने की कोशिश की थी, जिसके कारण यहाँ पे घटनाएं पड़ रही थी, तो वो नेशनल हाईवे वाला जो पैसेज है उसको क्लियर किया गया है। अंदर जो हमारी दुकान है, क्योंकि काफ़ी सकरी गलियां आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, तो हम जो बड़ी दुकानें हैं जिन्होंने अपना सामान आगे तक बढ़ा लिया है और रोड पर अतिक्रमण करने की कोशिश की है जो कि शासकीय है, तो उसे उन्हें हम बड़े दुकानदारों को पीछे करेंगे, और अभी जो टपरे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, और जो NH के टपरे विस्थापित हुए हैं, मतलब जिनको हटाया गया है, उनको कोई सुटेबल जगह देख के विस्थापन भी किया जाएगा ताकि उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। बंडा से रवि सेन के साथ सूर्य कुमार दुबे, सागर टीवी न्यूज़।